दोस्तों द मोस्ट अवेटेड फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री की हर हर गंगे। सुपरस्टार रिकॉर्ड मशीन पवन सिंह जी की ये फिल्म है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक दो फिल्में हैं जो बहुत ही महंगे बजट में बनाई गई है, जिसमें से खेसारी जी की संघर्ष टू को माना गया, टीजर देख के पता ही चलता है, और एक हर हर गंगे फिल्म। 56 दिन की शूटिंग पहले ही हुई, उसके बाद फिर 12-13 दिन की शूटिंग बढ़ाई गई, यानी लगभग 70-75 दिन की शूटिंग के बाद आखिरकार हर हर गंगे फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम बनकर रेडी हो चुका है और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। अब इस फिल्म से जुड़ी एक अहम खबर है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वीडियो अंत तक देखिएगा। उससे पहले जान लीजिए कि मेरा नाम धर्म दुबे है और आपने शुरू किया है देखना देसी भारत। दोस्तों हर हर गंगे फिल्म की डबिंग का काम ना शुरू हो गया है मुंबई में। जी हाँ, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी, वो अब एक एक कलाकार को इस फिल्म से जुड़े जिन्होंने भी अभिनय किया है बुला रहे हैं डबिंग में, और बकायदा डबिंग भी हो रहा है। हर कोई कलाकार आकर डबिंग का अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन दो जो बड़े नाम इस फिल्म से जुड़े हैं वो अभी नहीं आए हैं, लेकिन इस हफ्ते तक उनकी भी डबिंग हो जाएगी, जिसमें पवन सिंह जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। पवन सिंह जी इस समय मुंबई में नहीं है, वो अपने काम की वजह से उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं कहीं जगहों पर, लेकिन अब जो खबर हमारे पास आ रही है कि ये हफ्ते खत्म होते होते पवन सिंह जी भी मुंबई आएंगे और बकायदा हर हर गंगे फिल्म की डबिंग भी पूरी करेंगे। इसके अलावा अरविंद अकेला कल्लू जी का भी एक स्पेशल कैमियो इस फिल्म में है, लेकिन उनकी डेट अभी नहीं मिल पाई है क्योंकि अरविंद अकेला कल्लू भी अपने होली सॉन्ग में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन जैसा कि खुशी की बात यह है कि अरविंद अकेला कल्लू जी ने भी खुद का मकान, बड़ा सा मकान, एकदम आलीशान मकान मुंबई में खरीद लिया है, तो अब उनका आना जाना लगातार बना रहता है। उन्हें लेकर यह खबर है कि 10 दिन के भीतर अरविंद अकेला कल्लू भी यहाँ पर आएंगे और लगभग कुछ एक आधे घंटे की ही डबिंग उनकी होगी। हालांकि पवन जी की डबिंग खींची जा सकती है क्योंकि पवन सर की अपनी स्टाइल है, मूड बनने में टाइम लगता है, एक दिन में डबिंग नहीं होती है, लगभग 2-3 बार वो आते हैं और अलग अलग स्टाइल में अलग अलग मूड बनाकर अपने फिल्म की डबिंग करते हैं। लेकिन कल्लू जी जो हैं वो आधे घंटे के लिए समय निकालकर चंदन उपाध्याय के पास आएंगे और फिल्म की डबिंग करेंगे। हर हर गंगे फिल्म की खबरें मैं पहले से ही आपको देते आ रहा हूँ। एक बहुत बड़े महंगे बजट की फिल्म है, राम सेतु जो बॉलीवुड की फिल्म आपने देखी होगी, उसके टेक्नीशियंस ने मिलकर के इस फिल्म पे काम किया है। क्लाइमेक्स पानी के भीतर है और गंगा नदी के किनारे के एक नौजवान की पूरी कहानी है। और इसके अलावा देखिए, मैं याद आ रहा मेरे को नाम, अभिषेक श्रीवास्तव जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और स्मृति सिन्हा फिल्म की हीरोइन है। डबिंग जल्दी ही सबकी खत्म हो जाएगी। कितने एक्साइटेड है प्लीज कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं।